नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टूल एंड डाई मेकर पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वीडियो जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच एंगल ऑफ द कटिंग टूल कंट्रोल द एक्शन ऑफ चिप फॉर्मेशन। कटिंग टूल का कौन सा एंगल चिप के बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है रैक एंगल, क्लियरेंस एंगल, पॉइंट एंगल, नन ऑफ दीज। तो देखिए, जो कटिंग टूल होता है तो उसको जो एंगल रहता है जो चिप के बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है वह हमारा रहता है रैक एंगल। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, रैक एंगल। दूसरा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ थ्रेड आर जनरली यूज्ड इन स्क्रू जैक। स्क्रू जैक में आमतौर पर किस प्रकार का थ्रेड प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन स्क्वायर थ्रेड, वी थ्रेड, ट्रेपोजॉइडल थ्रेड, डी है नन ऑफ दीज। देव तो यहाँ पे देखिए, जो स्क्रू जैक होता है इसमें जो हम लोग थ्रेड प्रयोग करते हैं वह थ्रेड रहता है स्क्वायर थ्रेड, और जो स्क्वायर थ्रेड रहता है इसका जो एंगल रहता है वह 90 डिग्री रहता है। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए लुब्रिकेंट। निम्न में से कौन सा एक लुब्रिकेंट का गुण है? ऑप्शन है फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, पोर पॉइंट, ऑल ऑफ दीज। तो जो एक संयोजक यानी कि लुब्रिकेंट का प्रॉपर्टी होता है वह कौन सा रहता है? फ्लैश पॉइंट भी रहता है, फायर पॉइंट भी रहता है और पोर पॉइंट, ये तीनों रहता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। चौथा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीलिंग इज नोन एज कॉन्वेंशनल मीलिंग। निम्न में से कौन से मीलिंग को हम लोग कॉन्वेंशनल मीलिंग या पारंपरिक मीलिंग के रूप में जानते हैं? ऑप्शन है अप मिलिंग, डाउन मिलिंग, बोथ अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग, डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए, जिसे हम लोग कॉन्वेंशनल मिलिंग के नाम से जानते हैं वह हमारा रहता है अप मिलिंग। अप मिलिंग को हम लोग कॉन्वेंशनल मिलिंग के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, अप मिलिंग। अप मिलिंग को हम लोग कॉन्वेंशनल मिलिंग के नाम से भी जानते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, इफ़ डायमीटर ऑफ ए पिच सर्किल ऑफ ए गियर इज डी एंड नंबर ऑफ टीथ इज टी, व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ गियर मॉड्यूल। यदि एक गियर के पिच चक्र का व्यास डी है और दांतों की संख्या टी है तो गियर मॉड्यूल के लिए सूत्र क्या आएगा? तो देखिए, अगर आपके गियर का जो पिच का व्यास वह कैपिटल डी है, सॉरी स्मॉल डी है, और जो दांतों की संख्या है वह टी है, तो इसमें जो मॉड्यूल का जो सूत्र आता है गियर मॉड्यूल का वह आता है डी बाई टी। तो एम इक्वल टू होता है मॉड्यूल एम इक्वल टू डी बाई टी होता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 5 का बी आंसर करेक्ट होगा। छठा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन। निम्न में से कौन सा बेलनाकार ग्राइंडिंग मशीन का एक प्रकार है? ऑप्शन है प्लेन सिलेंड्रिकल ग्राइंडर, यूनिवर्सल सिलेंड्रिकल ग्राइंडर, सेंटरलेस ग्राइंडर, डी है ऑल ऑफ दीज। जो इसमें से सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन का एक प्रकार है वह क्या है कि ये प्लेन सिलेंड्रिकल ग्राइंडर भी होता है और यूनिवर्सल सिलेंड्रिकल ग्राइंडर भी होता है और सेंटरलेस ग्राइंडर भी होता है, यह तीनों होता है। तो यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि ये जो ऊपर तीनों हैं यह सभी सही हैं, या सभी क्या हैं, तीनों बेलनाकार ग्राइंडिंग मशीन के प्रकार हैं। सातवां क्वेश्चन है, विच हीट ट्रीटमेंट इज डन ऑन स्टील टू इंक्रीज इट्स कटिंग एबिलिटी। कर्तन क्षमता बढ़ाने के लिए स्टील पर कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया की जाती है? ऑप्शन है अनीलिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग। तो अगर आपको कर्तन क्षमता यानी कि कटिंग एबिलिटी अगर आपको बढ़ाना है तो जो स्टील रहता है तो उसमें हम जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं वह रहता है हार्डनिंग। हार्डनिंग प्रोसेस के द्वारा हम लोग कटिंग एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, हार्डनिंग। आठवां क्वेश्चन है, इन नॉर्मलाइजिंग कूलिंग इज डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम। नॉर्मलाइजिंग में शीतलन निम्न में से किस माध्यम में किया जाता है? ऑप्शन ऑयल, वाटर, एयर, ब्राइन। तो देखिए, जो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस रहता है उसमें हम जो लोग मीडियम यूज करते हैं कूलिंग के लिए वह मीडियम हमारा रहता है एयर। तो वायु में हम लोग क्या करते हैं, इसे ठंडा करते हैं रूम टेम्परेचर पे।
तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट होगा। नौवां क्वेश्चन है, विच मोड अलाउ द यूजर टू ड्रा 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन इज ऑटो कैड। कौन सा मोड उपयोगकर्ता को ऑटो कैड में 90 डिग्री सीधी रेखाएं खींचने की अनुमति देता है? ऑप्शन है ओ स्नैप, ऑर्थो, लीनियर, पोलर, ट्रैकिंग। तो जो मोड उपयोगकर्ता को ऑटो कैड में 90 डिग्री सीधी रेखा खींचने की जो अनुमति देता है वह रहता है ऑर्थो। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑर्थो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। दसवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ न्यूमेटिक एक्चुएटर। निम्न में से कौन से एक प्रकार का वाईवी एक्चुएटर है? ऑप्शन है लीनियर, रोटरी, लिमिटेड एंगल, डी है ऑल ऑफ दीज। तो जो एक प्रकार का वाईवी एक्चुएटर है वह कौन सा है हमारा? लीनियर भी होता है और रोटरी भी होता है और लिमिटेड एंगल भी होता है। यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। 11 नंबर क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रो न्यूमेटिक सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज इंटरफेस बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एंड न्यूमेटिक सिस्टम। इलेक्ट्रो वायवीय सिस्टम में निम्न में से किसका प्रयोग इलेक्ट्रिकल और वायवीय प्रणाली के बीच इंटरफेस के रूप में किया जाता है? ऑप्शन है पिस्टन रॉड, पुश बटन स्विच, रिले, सोलेनोइड वाल्व। तो जो इलेक्ट्रो वायवीय सिस्टम में जिसका प्रयोग इलेक्ट्रिकल और वायवीय प्रणाली के बीच इंटरफेस के रूप में किया जाता है वह हमारा सोलेनोइड वाल्व रहता है। तो यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सोलेनोइड वाल्व। 12 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कमांड फॉर कूलेंट ऑफ। निम्न में से कौन सा कूलेंट ऑफ के लिए कमांड है? तो देखिए कूलेंट ऑफ के लिए जो कमांड हो रहता है वह कमांड रहता है M09। तो M09 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी मशीन्ड बाई EDM। तो निम्न में से किस पदार्थ की मशीनिंग EDM द्वारा नहीं की जा सकती है? ऑप्शन है आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, वुड। तो देखिए EDM मशीन के द्वारा जो नहीं किया जा सकता है, जिसकी मशीनिंग EDM द्वारा नहीं की जा सकता है वह कौन सा रहता है? लकड़ी। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीन, EDM मतलब होता है इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीन। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीन द्वारा जिसका मशीनिंग नहीं किया जा सकता है वह रहता है हमारा वुड, यानी कि लकड़ी रहता है, जबकि लोहा, एल्युमिनियम और तांबा इस पर काम किया जा सकता है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोड मटेरियल ऑफ EDM। निम्न में से कौन सा EDM के इलेक्ट्रोड सामग्री की मूल विशेषता है? ऑप्शन है हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, बोथ हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड हाई थर्मल कंडक्टिविटी, डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए जो EDM की इलेक्ट्रोड सामग्री की जो मूल विशेषता होती है यानी कैरेक्टरिस्टिक रहता है वो क्या रहता है कि बोथ हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और हाई थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि उच्च विद्युत चालकता और उच्च तापीय चालकता दोनों क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड सामग्री की मूल विशेषता होती है EDM मशीन के। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ CNC वायर कट EDM। निम्न में से कौन सा CNC वायर कट EDM का एक लाभ है? ऑप्शन है कि आयामों की परिशुद्धता और यथार्थता बहुत अच्छी गुणवत्ता की होती है, बी है कि निम्न कर्तन बल की आवश्यकता होती है, सी है कि वर्कपीस की जो कठोरता और चिमटता ये होती हैं इनमें समस्याएँ पैदा नहीं करती हैं, डी है ऑल ऑफ दीज। तो देखिए CNC वायर कट EDM का एक लाभ यह होता है कि यह क्या करता है कि आयामों की परिशुद्धता और यथार्थता बहुत अच्छी गुणवत्ता की होती है, ये बिल्कुल सही है, यानी कि पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि लेजर कटिंग फोर्स रिक्वायर्ड यानी कि निम्न कर्तन बल की आवश्यकता पड़ती है, ये भी सही है। और तीसरा कह रहा है यहाँ पर कि वर्कपीस की कठोरता और चिमड़पन मशीन की में समस्याएँ पैदा नहीं करती, तो ये भी सही है। तो यानी यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। 16 नंबर क्वेश्चन है, इन वायर कट EDM द वायर इज हेल्ड टाइट बिटवीन। वायर कट EDM में तार को किसके बीच में कसकर रखा जाता है? ऑप्शन है ऊपरी और निचले नोजल के बीच में, ऊपरी और निचले हीरक गाइड के बीच में, हैंडल के ऊपरी और निचले ग्रुप के बीच में,
ऊपरी और निचली पुली के बीच में रखकर। तो देखिए जो वायर कट ईडीएम जो रहता है उसमें जो तार को हम जिसमें कसकर पकड़ते हैं वो हमारा क्या रहता है कि अपर एंड लोअर डायमंड गाइड से, यानी कि ऊपरी और निचले हीरक गाइड में हम लोग क्या करते हैं कि वायर कट ईडीएम में तार को पकड़ते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब सिस्टम ऑफ वायर कट ईडीएम, निम्न में से कौन सा वायर कट ईडीएम की एक उप प्रणाली है। ऑप्शन है डाई इलेक्ट्रिक सिस्टम, वायर फीडिंग सिस्टम, पोजीशनिंग सिस्टम, ऑल ऑफ दीज। तो जो वायर कट ईडीएम की एक उप प्रणाली यानी कि सब सिस्टम है वह कौन सा रहता है, वह रहता है डाई इलेक्ट्रिक प्रणाली भी रहता है, वायर फीडिंग प्रणाली भी रहता है और पोजीशनिंग प्रणाली भी रहता है, यह तीनों रहता है। तो यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। 18 नंबर क्वेश्चन है, मेटल रिमूवल रेट इन ईडीएम इंक्रीज इज, ईडीएम वृद्धि में धातु हटाने की दर किसके समानुपाती यानी कि अनुपातिका होती है। ऑप्शन है सीधे वर्तमान के अनुपातिका, वर्तमान के लिए विपरीत अनुपातिका, सीधे लागू अनुपात वोल्टेज के लिए अनुपातिका, लागू वोल्टेज के विपरीत अनुपातिका। तो ईडीएम वृद्धि में धातु हटाने की जो दर होती है यह क्या होते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। 19 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, निम्न में से कौन सा एक कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन का एक तत्व है। ऑप्शन है प्रोब सिस्टम, मशीन कंट्रोल एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, मेन स्ट्रक्चर, डी है ऑल ऑफ दीज। तो जो कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन का जो एक तत्व है वह हमारा कौन सा रहता है, प्रोब सिस्टम भी है, मशीन कंट्रोल एंड कंप्यूटर हार्डवेयर भी है और मेन स्ट्रक्चर भी है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। 20 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द डाटा कलेक्टिंग यूनिट इन ए कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन में डाटा इकट्ठा करने वाली इकाई कौन सी होती है। ऑप्शन है स्ट्रोक, प्रोब, कैम रिंग, मेन स्ट्रक्चर। तो देखिए जो कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन में जो डाटा इकट्ठा करता है वो कौन सी इकाई रहती है, वह रहता है प्रोब। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, प्रोब। 21 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्टिकल कंपैरेटर आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्टिकल कंपैरेटर जो होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन है प्रोजेक्शन ऑफ इमेज, रेडिएशन ऑफ लाइट, साउंड, इको और है सुपरसोनिक। तो देखिए जो ऑप्टिकल कंपैरेटर रहता है यह किस पे करता है, प्रतिबिंब के प्रक्षेपण यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ इमेज के सिद्धांत पर कार्य करता है या आधारित होता है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ इमेज यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि निरीक्षण आमतौर पर एक संगठित परीक्षा या औपचारिक मूल्यांकन अभ्य है, सॉरी यहाँ पे क्या है कि एक ही कथन दिया है तो इसे हम लोग छोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन अधूरा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 23 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्पेसिफाइंग सरफेस रफनेस, सतह खुरदरापन को निर्दिष्ट करने के लिए निम्न में से कौन सा मापदंड महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन है अनियमितताओं की चौड़ाई और ऊंचाई दोनों, डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए सतह खुरदरापन को जो निर्दिष्ट करने के लिए हम लोग जो मापदंड यूज करते हैं या बहुत महत्वपूर्ण मापदंड रहता है वह क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अनियमितताओं की चौड़ाई और ऊंचाई दोनों महत्वपूर्ण मापदंड हैं खुरदरे सतह खुरदरापन को व्यक्त करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो, तो ये भी कथन अधूरा ही है, सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया गया है तो ये भी गलत ही है, आधा अधूरा। 25 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्ट्रिप द स्टॉक मटेरियल ऑफ द पंच आफ्टर ईच स्ट्रोक, निम्न में से किसका उपयोग प्रत्येक स्ट्रोक के बाद
स्टॉक सामग्री को पंच से हटाने के लिए किया जाता है, ऑप्शन स्ट्रिपर, डाई होल्डर, पंच होल्डर, गाइड पोस्ट। तो निम्न में से जिसका प्रयोग प्रत्येक स्ट्रोक के बाद स्टॉक सामग्री को पंच से हटाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं वह रहता है स्ट्रिपर। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रिपर। अब चलते हैं 26 नंबर के क्वेश्चन पे। द एलिमेंट ऑफ टूल विच इजेक्ट्स द ब्लैंक इज कॉल्ड एन, टूल का तत्व जो ब्लैंक को बाहर निकालता है वह क्या कहलाता है। ऑप्शन है इजेक्टर, रैम, पंच होल्डर, गाइड पोस्ट। तो देखिए टूल का तत्व जो ब्लैंक को बाहर निकालता है उससे हम लोग इजेक्टर कहते हैं। इजेक्टर होता है ये, जैसा कि आप अपना मोबाइल यूज करते हैं तो सिम निकालने के लिए जो एक डिवाइस यूज करते हैं इस तरह छोटा सा आता है, तो यही होता है हमारा इजेक्टर। तो ऐसे इसमें भी रहता है कि टूल का तत्व जो ब्लैंक को बाहर निकालता है वह क्या कहलाता है, इजेक्टर कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, डीप ड्राइंग इज आल्सो कॉल्ड एज, डीप ड्राइंग को डट 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 भी कहा जाता है। तो डीप ड्राइंग को हम लोग कौन सा ड्राइंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन है कप ड्राइंग, प्लेट ड्राइंग, स्नूप ड्राइंग, फोर्क ड्राइंग। तो देखिए जो डीप ड्राइंग रहता है इसे हम लोग कप ड्राइंग के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, कप ड्राइंग। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है पंचिंग ए नंबर ऑफ होल इन ए सीट इज नोन एज नोचिंग, एक सीट में कई छिद्र पंच करने को हम लोग नोचिंग कहते हैं। बी है ISO से अभिप्राय इंडियन ऑफिस ऑफ स्टैंडर्ड। सी है कास्ट आयरन इज एन नॉन फेरस मेटल, यानी कि ढलवा लोहे का लौह धातु है। डी है नॉन ऑफ दीज। तो देखिए जो कथन सत्य है वह कौन सा है कि इनमें से कोई भी कथन कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट फाइन ब्लैंकिंग, फाइन ब्लैंकिंग के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन है यह प्रेस तकनीकी के सिद्धांत पर कार्य करता है, फाइन ब्लैंकिंग उत्पादों की गुणवत्ता उच्च होती है, फाइन ब्लैंकिंग उत्पादों की गुणवत्ता खराब होती है। डी है असेंबली ऑपरेशन के लिए फाइल ब्लैंकिंग उत्पाद तैयारी है। तो देखिए फाइन ब्लैंकिंग के बारे में जो कथन सत्य नहीं है वह है कि फाइन ब्लैंकिंग उत्पादों की जो गुणवत्ता होती है खराब होती है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि यही कथन सत्य नहीं है, बाकी सब सत्य हैं। कि ये जो होता है ये प्रेस तकनीकी के सिद्धांत पर कार्य करते हैं बिल्कुल सही है, और कह रहा है कि फाइन ब्लैंकिंग उत्पादों की गुणवत्ता उच्च होती है ये भी सही है, और कह रहा है कि असेंबली ऑपरेशन के लिए फाइन ब्लैंकिंग उत्पादन तैयारी ये सही है, जबकि फाइन ब्लैंकिंग उत्पादों की गुणवत्ता खराब होती है यह गलत है। तो यहाँ पे पूछा था कौन सा कथन असत्य है या सत्य नहीं है, तो वही हमारा सी आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन टेंसाइल टेस्ट कैन बी परफॉर्म, निम्न में से किस मशीन पर तन्यता परीक्षण किया जा सकता है। ऑप्शन है इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, रॉकवेल टेस्टिंग, ब्रिनल टेस्टर। तो जिस मशीन पर तन्यता परीक्षण किया जा सकता है वह मशीन रहता है यूनिवर्सल मशीन परीक्षण, यानी कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर हम लोग तन्यता परीक्षण यानी कि टेंसाइल टेस्ट हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। 31 नंबर क्वेश्चन है, इन केस हार्डनिंग प्रोसेस अमोनिया गैस इज स्प्रेड ओवर स्टील, दिस केस हार्डनिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एज। केस हार्डनिंग प्रक्रिया में स्टील पर अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है, इस केस हार्डनिंग प्रक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन है साइनाइडिंग, नाइट्राइडिंग, कार्बोराइजिंग, अमोनाइजिंग। तो देखिए स्टील पर अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं और उसे हम लोग केस हार्डनिंग प्रक्रिया में यूज करते हैं, तो जो केस हार्डनिंग प्रक्रिया हो रहती है वह क्या कहलाता है, हमारा नाइट्राइडिंग कहलाता है। तो नाइट्राइडिंग प्रोसेस में हम लोग अमोनिया गैस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि केस हार्डनिंग प्रक्रिया में स्टील पर अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है, इस केस हार्डनिंग प्रक्रिया को हम लोग नाइट्राइडिंग कहते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अविनाशात्मक
परीक्षण का एक प्रकार नहीं, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। ऑप्शन है कंप्रेशन टेस्ट, विजुअल टेस्ट, अल्ट्रासोनिक टेस्ट, ईडी करंट टेस्ट। तो देखिए जो अविनाशात्मक परीक्षण का प्रकार नहीं है वह कौन सा, हमारा कंप्रेशन टेस्ट। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, कंप्रेशन टेस्ट। तो कंप्रेशन टेस्ट क्या है, यह हमारा विनाशात्मक परीक्षण होता है। इसमें क्या होता है, टूट जाता है जो भी वर्कपीस रहता है जिस पे हम लोग टेस्टिंग करते हैं वह टूटता है। तो यहाँ पे हमारा यानी कि टूट जाता है यानी कि विनाश हो जाता है। तो जो विनाश हो रहा है तो यहाँ पे कुछ कह रहा है कि अविनाश प्रकार का नहीं है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कंप्रेशन टेस्ट। तैंतीस नंबर क्वेश्चन है, ए कंपोनेंट इज क्रैकिंग आफ्टर हीट ट्रीटमेंट, व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजन ऑफ दिस। उष्मा उपचार के बाद एक घटक में दरार आ जाती है, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन है इसे लंबे समय तक गर्म किया गया था, इसे गर्म करने से पहले ठीक तरह से साफ नहीं किया गया था, सी है इसे गर्म करने के बाद तुरंत ब्रांड में ठंडा किया गया था, डी है इसे हवा में धीरे धीरे ठंडा किया गया था। तो देखिए उष्मा उपचार के बाद एक घटक में दरार आ जाती है, इसका जो संभावित कारण हो सकता है ये रहता है कि इसे गर्म करने के बाद तुरंत ब्रांड में ठंडा किया गया था, इसके कारण क्या होता है कि यह दरारें आ जाती हैं। अगर उस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करने के बाद उसे हम लोग तुरंत अगर ब्रांड में ठंडा कर देते हैं तो उसमें दरारें आ जाती हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ द जब इज लूजली फिटेड बिटवीन इन द सेंटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन। बेलनाकार ग्राइंडिंग मशीन में यदि जब को केंद्रों के मध्य ढीला फिट किया जाए तो क्या होगा। ऑप्शन है जब ओवर साइज बनेगा, जब गोलाई में नहीं बनेगा, जब बाहर नहीं निकलेगा, जब नहीं घूमेगा। तो बेलनाकार ग्राइंडिंग मशीन में यदि जब को केंद्रों के मध्य ढीला फिट किया जाए तो क्या होता है कि जब गोलाई में नहीं बनता है। तो यहाँ पर हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, द जब विल बी आउट ऑफ राउंड, यानी कि जब गोलाई में नहीं बनेगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि जनरली विच टाइप ऑफ ग्राइंडिंग मशीन इज यूज टू ग्राइंड फ्लैट सरफेस। सामान्यतः सपाट सतहों की ग्राइंडिंग के लिए किस प्रकार के ग्राइंडिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है बेलनाकार ग्राइंडिंग मशीन, आंतरिक ग्राइंडिंग मशीन, सरफेस ग्राइंडिंग मशीन, डी है एनी ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई भी। तो सामान्यतः सपाट सतहों की ग्राइंडिंग के लिए हम लोग जो ग्राइंडिंग मशीन प्रयोग करते हैं वह मशीन रहता है सरफेस ग्राइंडिंग मशीन। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सरफेस ग्राइंडिंग मशीन सपाट सतहों की ग्राइंडिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसके अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।